भूल ही गई थी कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है और सबने जाना है भाई अपनी ताई अम्मी के घर। मैं टोट के सीधा सीधा गया दूं ना देसी टोट के, जो है मेरे भाई का निकाह हो चुका है। हेलो जी, तो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और ये आप इतना प्यारा तैयारी दिखाओ, झूठ बोल रहा है। ताया अम्मी के घर माशाल्लाह भाभी कितनी प्यारी बन रही है। शामी कबाब आपने, अल्लाह इतनी शर्मिंदी। तो भाभी आप कुछ क्या कहना चाहेंगे हुडिया के फैन से? पता नहीं। तो गाइस मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मेरी बहन ने याद कराया, हुडिया तुम व्लॉग ही नहीं बना रही, हमने तो टाइटल लेकर पता चल रही है कि आज हमने जाना है भाई अपनी ताई अम्मी के घर। तो उनके घर एक्चुअली हमारी जो है दावत है और आज हमने जाना है, तो फिर जल्दी से जो है ना, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। हाँ, तो भाई अभी नाश्ता करना जो है ना हम लोग पी रहे हैं सबसे पहले सुबह सुबह, ये है जूस किसका? आरू का। अच्छा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आते ही नहीं है व्लॉग में, बस आपको पता है फंक्शन से थोड़ा फ्री अब हुआ हूँ। अच्छा, आज हमारी दावत है, दावत भी जा रहे हैं, देखो मुझे कोई पूछ नहीं रहा। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी बेगम का मुझे फेशियल करे, उसका भी अपना फेशियल नहीं खत्म हो रहा। अच्छा बेगम को फेशियल नहीं खत्म हो रहा, फिर भाई का होगा ना। और जो मेरी बहनें भी कहना वो भी अभी फेशियल वगैरह करने कह रही है, हमें अभी ब्लॉग में ना लेना जब तक हम तैयार नहीं हो जाते। ये थोड़ी ना बात ही, मैं अभी तो आ रही हूँ ना। बात तो सही है। और अभी अभी जो है एसी का ब्रेकर भी खराब हो गया, मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ यहाँ से? बार बार ये क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, नीचे खुद ही ट्रिप हो जाता है, इसको भी हल ठीक करवाना पड़ेगा। तो आज तो नहीं कह रहा, हम कल करवाएंगे, क्योंकि आज भी सब बड़े बिजी हैं। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ना भाई का फिशर होने लगा, भाई मास्क लग रहा है, ये घर होम मास्क है घर। हम मैं टोट के सीधा सीधा गया दो ना, देसी टोट के। कितनी बुरी है, देसी टोट के लग रहा है गाइस। सुने कैसे लगा रही हूँ, शर्ट खराब ना कर दो। अंदर है दाल चावल सब बेसन दाल चावल देसी टोटके। अच्छा तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ये है जी सीरम, और ये बहुत ज्यादा अच्छा सीरम है। अब ये लगाए देसी टोटके को छोड़े, और ये अभी भाभी लगा रही है। न्यू शर्ट पहने थे जो है सारी गंदी कर वाइप से साफ। सो गाइस मैंने आप लोगों को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि जो है मेरे भाई का निकाह हो चुका है। तो मैं थोड़ी सी बिजी थी, रिश्वा के एग्जाम्स थे और सना के भी एग्जाम थे, दोनों के एक साथ थे, और इस वजह से जो है ना मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। जो है भाई हमारी जो है ना भाई की दावत है ताया के घर, तो हमने वहाँ पर जाना है, और भाभी का इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को फेस रिवील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा मुझे कमेंट से बताएं कि कौन का मेरी भाभी का फेस रिवील देखना चाहता है, फेस रिवील। भाई का भी इधर मास्क लग गया, और ये तुम क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ ये जो है ना इंडिया से मैंने मंगवाया, अपनी कोई इसकी लैंग्वेज भी इंडियन है, ठीक है, ये मेरे कस्टमर थे मेरे। अच्छा। उनसे मैंने मंगवाया ये, इनकी खुशबू भी बहुत तो अच्छी है। इससे क्या होता है? इससे जो है ना इसके ऑयल में खुशबू भी बहुत अच्छी है हमारे ऑयल से। अच्छा। और इसका ये है कि आपके बालों में शाइन बहुत अच्छा आता है। अच्छा। आम ऑयल से बहुत अच्छा ये ऑयल है। अच्छा, ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए? हाँ, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों, ये देखो ना लिखा फॉर लॉन्ग एंड थिक हेयर 100% नेचुरल एंड प्योर। हेलो जी, तो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। डक्की भाई के ब्लॉग मुझे आज के इतने कोई पसंद आ गए कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डक्की भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करो। जी मेरा सारा भाभी का मेकअप मतलब थोड़ा बहुत बॉडी है। अच्छा मेरा मेकअप से मिक्स नहीं करना, जस्ट चला अच्छी लगती है। वाह और ये आप इतना प्यारा तैयारी दिखाओ, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कितना प्यारा तैयार हुई हो आप। थैंक यू सो मच, मैं फर्स्ट टाइम मतलब मैं जो है ना मतलब थोड़ा सेटिस्फाई नहीं अपने मेकअप से, तो मैं थोड़ा डर लगा कैसा किया मेकअप से यार। मेकअप बहुत प्यारा किया, आइज क्लोज करें। आपने किसे सीखा है लाइनर? वैसे तो मैं खुद ही लगाती हूँ, मैंने किसे सीखा नहीं। हाँ कह दो कि ये झूठ है,
हूँ सीखा नहीं। हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स देखती रहती हूँ। अब आए ना लाइन पे। गुड क्या वक्त मैं मुझे कोई ना लगाओ मस्कारा भर के नीचे लगाओ मेरे से खराब हो जाता है। नहीं नहीं ना लगाओ मेरा पानी आता है। मेरे पानी तो मैं नीचे लगवाती नहीं। और ये भाभी की आई मेकअप है नीचे तो गाइस हुड़िया तैयार हो गई है। अब इसने कपड़े चेंज खुद मेकअप किया बहुत अच्छा किया हुड़िया। थैंक यू। तो फिर हम आपके साथ सो गाइस हम दोनों रेडी हो चुके हैं और बताएं हम लोग कैसे लगे। और ये है जी सना के लोग जो इतना शर्मा की पहले आती ही है क्या कैसे हुई है एक्टिव नहीं होती है तो आपको कहा करें। सो ये है मेरे भाई और भाभी के लुक। तो आप दोनों रेडी हो गए? जी हम दोनों फाइनली रेडी हो गए। अच्छा तो अब हम कहाँ जाने तय के घर जाने। तो भाभी आप कुछ क्या कह तो भाभी आप कुछ क्या कहना चाहेंगे हुड़िया के फैन से? भाभी जो है ना वो थोड़ी सी नर्वस हो रही है मतलब उनको यूट्यूब का भी इतना आइडिया नहीं है ना वो इस फील्ड में आई है तो वो कह रही है कि मैं क्या बात करूँ। दिखाएं आप अपनी मेहंदी दिखाएं। अब तो वो उतर चुकी है और गजरी और ये किधर जा रही हो? जी हम लोग जा रहे हैं जी ताया अम्मी के घर। माशाल्लाह भाभी कितनी प्यारी लग रही है आप अपनी दादा मिक्स कर दिया। अच्छा आपका इनको भाभी बोलते हैं तो मैं जो है ताई अम्मी मेरे को मुंह पे नहीं चढ़ता। आप अपनी आईज का मेकअप दिखाएं। आपने कौन से कलर के लेंस लगाए इतना फोकस किया हुआ क्या कहना चाहेंगी? अब भाभी कमेंट सेक्शन में सारा ये भर जाना भाभी का चेहरा जो है वो रिवील करें तो आप क्या कहना चाहेंगे क्या टारगेट देंगे इन लोगों को? 5K सब्सक्राइबर्स करने। ओके फिर रिवील कर देंगे बस। हाँ इतना सा यूं हो जाएंगे यूं हो ही ना जे। कमेंट सेक्शन में प्लीज माशाल्लाह बोल दे। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ मैंने 36 बार अपने हेयर स्टाइल बदला और 36 बार अपना मेकअप नहीं बदला। मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ ठीक है। मेरे इयर रिंग्स भी हैं निकल गई है और हमें बहुत ज्यादा ना क्या कहते हैं गर्मी लग रही है और पसीना भी गर्म हो रही है। मैदा में मेकअप कैसे लग रहे रिश्वा को धले लो और इस टाइम पता कैसे बैठे हैं फुल फर्स्ट ही बैठे हुए हैं। अच्छा सपना हो रहा है लाहौर बहुत सारे लोग ना मतलब बिजी कैमरे में। हाँ बहुत सारे लोग ना भी बिजी हैं और चलते हैं अभी सबसे पहले किचन की तरफ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में कुछ बन रहा है तो देखते हैं फिर क्या बन रहा है खाने में। और ओ जी यहाँ पे मेरी कजिन बना रही है आपको दिखा। तो यहाँ पे मेरी कजिन बना रही है चपली शामी कबाब और ये क्या है और ये है अच्छा ठीक है वो कह रहे हैं सारी चीजें। अच्छा चलो ठीक है वो कह रहे हैं जब मैं डिश आउट कर दूंगी फिर आप बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तेज भूख लग रही है और खाने की खुशबू बहुत ज्यादा छिड़के से आ रही है मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। मेरी कजन जो है मेरी वीडियो बना रही है वो आ नहीं रही उसको शर्म आ रही है। मेरी कजन मेरा बिल्कुल नहीं आती इनको बहुत ज्यादा शर्म आती है ना शर्मीली। मेरी कजन ने ड्रॉइंग किया। हाँ और देखिए नई झूठी छोटी छोटी सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। खैर अब हम लोग जो है ना आप लोगों से मुझे थोड़ी देर तक और तो अब भाई थोड़ा सा लाइटिंग वाली साइड में आई हूँ ठीक है। आप नहीं आ रही व्लॉग में आप नहीं आ रही मैं सिर्फ अपनी बना रही हूँ। अल्लाह इतनी शर्मीली। अच्छा अच्छा ठीक है ओके मैं नहीं बना रही व्लॉग। ये सब मेरी कजन बहुत ज्यादा शर्मीली नहीं बना रही आज। गाइज अभी जो है ना मुझे बहुत तेज वाली भूख लग रही है। मैं मतलब मैंने सुबह का आप लोगों के सामने क्या खाया हुआ था खाना मतलब मैं तैयार होने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि मैं ब्रेकफास्ट करना ही भूल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यहाँ हम क्या करने आए ठीक है। अरे मैं आ रही हूँ बहुत प्यारी लग रही हो। ओके शफीक अहमद रोटी खुल गई है अभी क्यों टू नोटी। अच्छा नहीं हो रही चलने डेजर्ट
में है हमारा तेज आइसक्रीम डेजर्ट। तो ये वही रिव्यू देते खाने के, तुम्हें कैसा लगा खाना? मैं रखती हूँ गाइस एंड था मैं, हमने कुछ और ट्राई नहीं किया बिरयानी के अलावा, बहुत मजे का सिद्रापी। वैसे ओवरऑल खाना वैसे ही बहुत मजे का था। गाइज मेरा जो है यहाँ पर ब्लॉग एंड होता है, ठीक है, और आज मुझे बहुत ज्यादा मजा है। अगर आप लोगों को ब्लॉग देख के पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।